हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टेक राघव यूट्यूब चैनल में। मैं बबलू राघव। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पीयू के कोड को हम किस तरीके से अनलॉक कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, कभी आपके मोबाइल में अगर पीयू के कोड लग जाता है और आप उसमें गलत पासवर्ड टाइप करते हैं तो आपका सिम जो है वो खराब हो जाएगा और फिर से आपको नया सिम निकलवाना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पीयू के कोड को किस तरीके से अनलॉक करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये पीयू के कोड लगता कैसे है और ये होता क्या है। दोस्तों, पीयू के कोड जो होता है वो सिम कार्ड लॉक होता है। तो जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि मैं आपको एंड्रॉइड मोबाइल में दिखा रहा हूं और आपके पास अगर ये कीपैड वाले मोबाइल हैं तो इनमें ये ज्यादातर सिंपल होता है, तो इसमें ये इन वाले मोबाइल में ज्यादातर ये वाले कोड लग जाते हैं। तो ये सिम कार्ड लॉक होता है कि ज्यादातर लोग सिम कार्ड लॉक लगाते हैं और फिर गलत पासवर्ड डालते हैं, फिर वो जो है पीयू के कोड मांगता है। तो जैसे कि आप अपने मोबाइल की सेटिंग में आएंगे, तो दोस्तों सेटिंग में आने के बाद ज्यादातर ये सिक्योरिटी में पाया जाता है, पर इन मोबाइल में ये एडिशनल सेटिंग में है। और फिर इसके बाद ये डिवाइस इज प्राइवेसी, और फिर इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं सिम कार्ड लॉक। तो ये है वो सिम कार्ड लॉक, आपको इस पे क्लिक करना है। फिर ये सिम वन और सिम टू, तो ये होता है सिम वन या सिम टू लॉक करने का। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ये लॉक जो है वो लगा रखा है और यहाँ पर जो डिफॉल्ट पासवर्ड हमको मिलता है वो 1234 और जियो में जो होता है वो 000, 4 बार 0 होता है। ज्यादातर डिफॉल्ट पासवर्ड जो है वो इन सिम में हमको मिलता है, पर काफी लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। अब जैसे कि ये मैंने ऑन कर दिया है सिम कार्ड मेरा, यहाँ पे लॉग ये ऑन हो चुका है। अब इसके बाद दोस्तों, जैसे कि मेरा मोबाइल अगर खो जाता है या मैं इस मोबाइल को स्विच ऑफ करता हूँ फिर इसके बाद ऑन करूंगा, तो आप देखेंगे कि क्या होगा। मैं इसको स्विच ऑफ करता हूँ, आप देखिए ये मैंने स्विच ऑफ किया। अब मैं दोस्तों इसको ऑन करता हूँ, इस वीडियो को हल्का सा फास्ट कर देता हूँ। अब देखिए मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। अब ये ऑन होने के बाद तुरंत ये मुझसे मेरा सिम कार्ड जो नंबर है लॉक मैंने जो किया है वो मुझसे मांगेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं प्लीज एंटर द पिन फॉर सिम टू, तो ये मैंने सिम टू पे लगाया है तो यहाँ पे ये मांग रहा है। अगर मैं इसको दोस्तों यहाँ पर अगर मैं 10 बार गलत ट्राई करता हूँ तो ये मुझसे फिर पीयू के कोड मांगेगा, और जो पीयू के कोड हमको नहीं पता होते हैं, अगर मैं 10 बार गलत नंबर डालता हूँ तो यहाँ पर मेरा सिम कार्ड जो है वो लॉक हो जाएगा। जैसे कि ये मदद भी करता है अगर आपका सिम का अगर फोन खो जाता है तो अगर जो भी इसको ऑन करने की कोशिश करेगा वो सिम कार्ड आपका लॉक हो जाएगा। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपके मोबाइल में पीयू के कोड मांग रहा है, तो आपको करना क्या होगा, आपको कस्टमर केयर पे फोन करना होगा 198 पर। अगर आपके पास जैसे मान लीजिए आइडिया की सिम है और आपके में ये कोड लगा है, तो किसी से आपको आइडिया की सिम लेनी है और उसी के नंबर से आपको कस्टमर केयर पे फोन करना है और उनसे बोलना है कि हमको, आपको फिर अपना नंबर बताना है कि मुझे इस नंबर की जानकारी चाहिए, फिर उनको बताना कि मेरे नंबर में पीयू के कोड जो वो लग चुका है और ये पीयू के कोड मांग रहा है, तब आपको इसमें पीयू के कोड जो है वो बताएंगे और फिर आपका मोबाइल जो है वो अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक होने के बाद फिर आपको सेटिंग में आना है, सेटिंग में आने के बाद फिर से आपको अपना सिम कार्ड लॉक पर ही जाना है और फिर आपको ये वाला जो ऑप्शन है इसको ऑफ कर देना है, वरना फिर आपका जब मोबाइल ऑफ होगा तो फिर से वो सिम कार्ड लॉक मांगेगा और फिर आप गलत डालेंगे, फिर से आपका पीयू के कोड जो है वो लग जाएगा। तो इसमें पीयू के कोड की जानकारी जो पता चलती है वो हमको कस्टमर केयर से पता चलती है। तो आपके अगर आइडिया की सिम है या वोडाफोन की सिम है या किसी की भी सिम है तो वो आपको पीयू के कोड कस्टमर केयर से पता चलते हैं, और कस्टमर केयर भी ऐसे नहीं बताते हैं, वो आपसे अगर आपने आधार कार्ड अपना सिम लिया है आधार कार्ड से तो आपको अपने 4 एंड के डिजिट नंबर आपको बताने होंगे, फिर उसके बाद आपको अपना आईडी प्रूफ बताना होगा, आपका नाम, आपकी DOB, उसके बाद वो आपको पीयू के कोड बता देते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, और आपके कभी मोबाइल में ये लगा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।